दोस्तों सबके सपने अलग अलग हैं। किसी को गाड़ी लेना है तो किसी को घर लेना है, पर मेरा सपना है कि मुझे केदारनाथ जाना है। दरबार में कैसे गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा कि मस्त होंगे, ठीक ठाक होंगे। दोस्तों अभी मैं हूँ सोन प्रयाग में और जो है मैं उठ चुका हूँ और निकलूंगा अभी ट्रैकिंग के लिए। ट्रैकिंग के लिए बहुत लंबी भीड़ लगा हुआ है। मैं सामान वगैरह लेता हूँ और सामान वगैरह लेकर के जाकर लॉकर रूम में जमा करूंगा, उसके बाद फिर लाइन में लगते हैं। यहाँ से जो है आपको एक टैक्सी मिलेगी जो 5 किलोमीटर कवर करके आपको गौरीकुंड पहुंचाएगी, और गौरीकुंड के बाद आप खुद से ट्रैकिंग स्टार्ट करोगे जो कि 17 किलोमीटर की रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं और आपसे चल के मिलते हैं और दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। फाइनली सुबह के 3:30 हो रहे हैं, 3:30 हो रहे हैं और हम लोग रूम से चेकआउट कर रहा हूँ। आपको दिखाते हैं रूम कि किस प्रकार का था। एक बेड आपको इधर मिल जा रहा था, एक बेड इधर था और एक बेड इधर था, साथ में 2 स्लीपर दिया गया था। और ये वॉशरूम था, उधर भी एक वॉशरूम सेम था, इधर गीजर और इधर टॉयलेट वगैरह। देखिए लाइन, ये जो लाइन है ये 1:30 से ही लगना चालू हो गया था। इस जगह पे आपके सामान का सुरक्षा किया जाता है, पर बैग 100, ट्रॉली बैग 150 और हेलमेट का चार्ज 50 रुपीज है। तकरीबन 2.5 घंटे हमने लाइन में रहा, तो अब जो है वो नंबर पे आ गए हैं जहां हमारे जो है रजिस्ट्रेशन का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए चलते हैं और वेरिफिकेशन करवाते हैं। हर हर महादेव। तो हम लोग सोन प्रयाग से जो है चले हैं और जहाँ से टैक्सी मिलती है उस टैक्सी के काफी नजदीक पहुँचने वाले हैं, वहाँ से चलेंगे गौरीकुंड के लिए। टैक्सी पकड़ेंगे, यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर है जिसके लिए आपको 50 रुपीज चार्ज देने पड़ेंगे और उसके बाद टैक्सी पकड़ के हम पहुँचते हैं। तकरीबन 4 घंटे लाइन में खड़े रहे गुरु, तब जाके अब लग रहा है ऐसा कि मंजिल पे पहुँचने वाले हैं। श्रद्धालुओं का काफी भीड़ लगा हुआ है गुरु। पीछे देखिए आपको टैक्सी वगैरह मिल जाएंगे जो आपको 45 से 50 रुपये लेंगे और ये गौरीकुंड छोड़ेगा। गौरीकुंड में जाइए, मस्त एकदम चौचक अंदाज में डुबकी लगाइए और अपने बाबा के केदार की मंदिर के लिए यात्रा प्रारंभ कर दीजिए। तो चलिए हम भी चलते हैं और आगे की यात्रा को दिखाते हैं। फाइनली हम लोग बैठ गए हैं सोन प्रयाग से गौरीकुंड जाने वाली टैक्सी पे। कितना मनमोहक व्यू है दोस्तों। यहाँ देखिए मजदूरों का काउंटर है, यहाँ से सारे लोग का जो है पास मिलता है। यहाँ से आपको 500 मीटर आगे जाओगे तो घोड़े का जो है अस्तबल है, वहीं से आपका पर्ची वगैरह कटेगा घोड़े का। हर हर महादेव। यही है गौरीकुंड, बहुत ज़्यादा गंदा है गौरीकुंड। यहाँ लोग कुंड का गरिमा नहीं रख रहे हैं, इसके कारण से कुंड का जो है थोड़ा सा गंदगी जो है बढ़ते जा रहा है गुरु। चलो फिर पानी छीटेंगे, कपड़े बदलेंगे और केदार यात्रा के लिए निकलते हैं। चलिए चलते हैं, देखिए पास का नज़ारा। और धूप तो आ चुकी है, मौसम काफ़ी वाकई बहुत सुंदर है। कंटिन्यू जो है बोला जा रहा है कि गौरीकुंड में साबुन सर्फ ये सब चीज़ें यूज़ ना करें, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, कुंड को गंदा कर रहे हैं। कपड़े बदलते हैं उसके बाद निकलते हैं केदारनाथ यात्रा के लिए। तो बोलिए हर हर महादेव। गौरीकुंड के पास भी आपको लॉकर का व्यवस्था मिलने वाला है जिसका चार्ज 100 रुपीज है और अनलिमिटेड टाइम के लिए है। दोस्तों आपको चलने में कम दिक्कत होगा, लेकिन उससे ज्यादा आपको जो खच्चर दिक्कत करेंगे। हर हर महादेव। दोस्तों इतना गजब हवा आ रहा है ना भाई कि सारा थकान दूर हो चुका है। तकरीबन हमने 4 किलोमीटर कवर कर लिया है और चलिए अभी 12 किलोमीटर और बाकी है। तकरीबन 3-4 घंटे रख लो, 3-4 घंटे में हम लोग क्लियर कर देंगे और उसके बाद हम बाबा का दर्शन करवाते हैं। अगर सोए किस्मत जगानी है ना मेरी भाई, तो केदारनाथ तो आनी पड़ेगी ना मेरी जान। नेक्स्ट आने वाले कुछ ही सालों में लोगों का लग रहा है चलना ही बंद हो जाएगा, खच्चरों की संख्या में वृद्धि हो जाएगी। जो चल सकते हैं वो भी खच्चर पे चढ़ के घूम रहे हैं। कुछ सालों में केदारनाथ का यात्रा सिर्फ खच्चर करेंगे, ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे पे चढ़ते जा रहे हैं खच्चर। बार बार बस के अभी तक 7 किलोमीटर कवर कर गया। ये देखो हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो दोस्तों रास्ते में ऐसे झरना वगैरह आपको मिलते रहेंगे, आप अगर चाहो तो यहाँ बैठ के एंजॉय ले सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं गुरु, चौचक एकदम। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं यहाँ मैगी बना के खाया जाए, और हम लोगों ने स्टॉव अपना फ्यूल सब निकाला और मैगी बस तैयार कर दिया। और फिर आते हैं वो जिन्होंने पहाड़ों में मैगी खाई होती है, उसका भी अपना स्वाद है। मैगी काफी गर्म है तो मैं सोच रहा हूँ पहले पहले प्यार वाली मैगी
तो कैसा मजा आएगा? कब खाई थी? जो है ना गुरु, अभी काफी लंबी है, अभी इधर से देखिए आए हैं, इधर से चलते हुए जो है देखिए वहां तक जाना है, उस वाले रास्ते पे, उस वाले रास्ते से उस पहाड़ के ऊपर जाना है, उस पार उधर है हमारे महादेव। तो बोलिए हर हर महादेव। पहाड़ों पे आपको खाना थोड़ी सी कॉस्टली लग सकती है। हम लोग जो है थोड़ा ज़्यादा ही एडवेंचरस के चक्कर में रह गए भाई। रास्ता देखो, रास्ता रास्ता देखो, रास्ता, और मुझे जाना है वहाँ। मज़ा आ गया दोस्तों, आधा ट्रैक लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, और शॉर्टकट मारने के चक्कर में अच्छा खासा एडवेंचर हो गया। रास्ते तो आप देखे ही होंगे, बट मज़ा आया। चलिए अभी इधर चलना है, देखिए इधर से सीधा ऊपर। इनकी दर्द देखो यार, दो पैसे के लिए 20 किलोमीटर लोग 60-65 केजी के लोगों को बैठा करके बाबा केदार का दर्शन करवाते हैं। धन्य हो प्रभु, आपकी माया अपरंपार है। हर हर महादेव। देखिए महाकाल की माया, कहीं है धूप तो कहीं है छाया। दोस्तों यहाँ पे सुना था कि स्वर्ग से हवा आती है, आज तो हमने यहाँ बर्फ भी देख लिया। दोस्तों लाइफ का फर्स्ट टाइम बर्फ का एक्सपीरियंस है, इसके पहले तो दोस्त फ्रीज में ही बर्फ देखे थे, आज नेचुरल बर्फ देखने को मिल रहा है। भाई ठंडी बहुत ज्यादा पड़ रही है, एकदम शीतलहर चल रही है, सो इसी कारण हमने कैप जैकेट। हर महादेव, हमने तो बर्फ भी गिरते हुए देख लिया भोले, यात्रा एकदम सक्सेस हो गया भोले। हर महादेव। दोस्तों ये दृश्य जो है काफी रील वगैरह में आप देख रहे होंगे, 14-15 फीट जो है बर्फ जमा हुआ है और उसके अंदर से लोग जा रहे हैं। तो चलिए उसके हम नज़दीक आ गए हैं और आपको दिखाते हैं। 10-12 फीट बर्फ जमे हुए हैं और इसके अंदर से लोग जा रहे हैं। अगर आप इस यहाँ से गुजर रहे हो तो यही प्रयास करना कि जितना जल्दी जो है यहाँ से बाहर निकल जाएं, क्योंकि कंटिन्यू पिघल भी रहे हैं। ये देखिए क्या बर्फ, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। दोस्तों आप जब घोड़े से आओगे तो घोड़े से आपको यहीं छोड़ दिया जाएगा, जो कि केदारनाथ मंदिर से तकरीबन 2 किलोमीटर दूर है। यहीं पे घोड़े का पार्किंग है, यहीं घोड़े को पार्क कर दिया जाता है और आपको यहां पे उतार दिया जाएगा। यहां से आपको 2 किलोमीटर जो है मंदिर पैदल यात्रा करना पड़ेगा। हेलीकॉप्टर का नज़ारा। हम लोगों ने 300 रुपये पर हेड के हिसाब से टेंट लिया, थोड़ा आराम किया, उसके बाद आरती के लिए निकल गए। शमकी बारिश, बारिश की पानी। देखो 2013 के पहले का जो रास्ता था वो वही था, वही सीधा चला जाता था केदारनाथ मंदिर। ये आपदा के बाद जो है वो भूस्खलन के कारण जो है इधर उसके बाद रास्ता बनाया गया है। बाकी यहाँ पे कैंपिंग वगैरह के लिए बहुत अच्छी सुविधा है, आप आइए, पर्सनल कैंपिंग हो या फिर आप कैंप लेना चाहते हो आपको इजिली मिल जाएगा। और देखिए कुछ इस तरह का नज़ारा। दोस्तों अगर आप केदारनाथ हेलीकॉप्टर से आते हो तो आपको देखो इसी जगह पे उतारा जाएगा, ये है हेलीपैड। अभी का टाइम जो हो रहा है 7:20, और देखिए ऊपर का नज़ारा, लग रहा है अभी दिन है। क्या गजब का नज़ारा है गुरु, चौचक भाई, यहाँ का वाइब ही अलग है। आप यहाँ आओगे ना रियली में जन्नत फील होगा, एकदम लगेगा कि आप स्वर्ग आ गए हो। हवा जो है रियली स्वर्ग से आ रही है, आपको ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी महसूस होगा, आपको एकदम चौचक लगेगा भाई, तगड़ा। भाई नेक्स्ट लेवल का ठंडी है, पूरा हाथ ठिठुर रहा है एकदम, ये सब सब ठिठुर रहे हैं दोस्त। इधर देखो पूरा बर्फ से ढकी है चादरें, गजब लुक है। वहीं जा रहा हूँ मैं बाबा केदार के दरबार में, चलते हैं वहाँ, चल के आपको दिखाते हैं, बाबा केदार का दर्शन करवाते हैं गुरु। चलते हैं, काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, 500 मीटर और बचा है। ठंडी भाई बहुत है, बट धूप निकल रहे हैं धीरे, धूप देखने को मिलना चालू हो गया है। दोस्तों कभी भी ये मत सोचना, लोग बोलेंगे कि मॉर्निंग में जो है ऑफलाइन जो है तुम्हें हेलीकॉप्टर मिल जाएगा,
लेकिन ये हेलीकॉप्टर मिलता उलता नहीं है। आप परेशान हो गए, प्रयास भी मत करना, डायरेक्ट आप जैसे भी हो, डोली हो या फिर घोड़े हो, खच्चर हो, करके चले जाना, क्योंकि नहीं मिलते हेलीकॉप्टर। हमने करीब 2 घंटे से वेट कर रहा था, लेकिन फाइनली लास्ट में बोल दिया गया खड़ा रहने से कोई फायदा नहीं है, आपको मिलने वाली नहीं है। वो लक बाई चांस है कोई कैंसिल किया तो आपको मिल जाएगा। देखिए लाइन गुरु कंटिन्यू जो है, यही लाइन लगा हुआ है मंदिर तक। ठंडी भी है, ऊपर से करीब 1 किलोमीटर से 1.5 किलोमीटर तक कंटिन्यू लाइन लगा हुआ है। अभी लाइन और बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि अगर आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन करना चाहते हैं तो आपको जो है 2:30 से 3 बजे आके लाइन में लग जाना पड़ेगा, तभी आप अर्ली मॉर्निंग दर्शन कर पाओगे। जय श्री केदार। देखिए दरबार में कैसे भीड़ लगा हुआ है दोस्तों। देखिए दिव्य दरबार, भाई तिलक चंदन लगा के एकदम सर को ठंडा ठंडा कर दिया है, और ठंडी भी अब दूर हो गई है। हर महादेव। दोस्तों ये है भीमशिला। जब 2013 में आपदा आया था तो यही केदार मंदिर के पीछे जो है आकर लग गया था, और जो है मंदिर को नुकसान होने से बचाया था। हर हर महादेव। दोस्तों आप मंदिर से जैसे ही एग्जिट करोगे आपको जस्ट सामने ही चले आना है। सामने आने के बाद आपको भंडारा इधर मिलता है, आप आइए भंडारा खाइए, प्रसादी लीजिए और मस्त मजे कीजिए। भंडारा बहुत अच्छा था गुरु, चावल कढ़ी और हलवा बहुत चौचक। तो दोस्तों अब तो मैगी बनकर तैयार है, इन पहाड़ों में, इन वादियों में, ठंडी ठंडी हवाओं में, गजब एक्सपीरियंस ही गजब है भाई। ये देखो इधर इधर का नजारा क्या गजब है भाई, एकदम ऊपर से झरना, ये हमारा मैगी, और ये प्यारी सी पहाड़ें, और ये खुली खुली वादियां, और सामने केदारनाथ की यात्रा। हर हर महादेव। गजब। तो फिर चलते हैं, 1 घंटा का रास्ता और बचा हुआ है, निकलते हैं इस रास्ते को फॉलो करके गौरीकुंड। दोस्तों रात के 7 बजे की वाइब देखिए, सोन प्रयाग की पूरा भीड़ ही भीड़, रात भर आपको भीड़ देखने वाली है। देखिए इधर पूरा पब्लिक भरी पड़ी है, पूरा एकदम गजब। सर आपको खच्चर वगैरह देखने को मिलेंगे, एकदम चौचक नज़ारा है। आपको कभी लगेगा ही नहीं कि रात है, दिन है, सुबह है, शाम है, कंटिन्यू पब्लिक जो है इस पर चलते रहती है। वही मुश्किल से आपको 1 घंटे। हम लोगों ने 11 बजे रात में टैक्सी बुक करके हरिद्वार के लिए निकल गए। तो बोलिए जय श्री केदार, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर।